शाहजहांपुर में ओवरफिट में दरार आई है, पल्लवी पटेल आई होगी, अरे आई होगी, अरे बीजेपी सरकार में किए गए कामों की गारंटी का भगवान ही मालिक है। ना जाने कब कौन सा पुल टूट जाए, कब पुल में दरारें पड़ जाएं, या फिर कब एक्सप्रेसवे धस जाए। इसीलिए जहां भी जाइए पूरी तैयारी के साथ जाइए, क्योंकि ऐसी स्थिति कभी भी कहीं भी आ सकती है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यूपी में होते नए नए कारनामे खुद बयां कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिगंता, मैं हूँ अंजलि चौधरी। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने बयानों को लेकर अक्सर ही मीडिया की सुर्खियों में बने रहते हैं। गलती को सुधारने की जगह उस पर कैसे लीपा पोती की जानी है, कैसे मामले को रफा दफा करना है, ये हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सीखिए। पहले सुनिए केशव प्रसाद मौर्य से, जब मीडिया कर्मियों की तरफ से ये सवाल किया गया कि पुल में दरारें पड़ गई हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, तो सवाल पूरा भी नहीं हो पाया, पहले ही कह दिया केशव प्रसाद मौर्य ने, अरे आई होंगी दरारें। अब सुनिए किस लहजे में और किस तरीके से उन्होंने इसका जवाब दिया है, फिर आगे की पूरी कहानी बताते हैं कि किस पुल को लेकर केशव प्रसाद मौर्य इस तरीके से बात कर रहे हैं। शाहजहांपुर में ओवरब्रिज में दरार आई है, पल्लवी पटेल आई होगी, अरे आई होगी, अरे साइटूब का जवाब ट्वीट किया है सर। उन्होंने कहा प्रदेश का एक डिप्टी सीएम लूट घसोट गिरोह का सरगना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस पर मुझे जवाब देना उचित लगता। दरअसल केशव प्रसाद मौर्य मीडिया से बातचीत कर रहे थे, इस दौरान पत्रकारों ने उनसे सवाल किया। सपा विधायक पल्लवी पटेल ने एक ट्वीट कर टूटी सड़क और टूटे पुल को लेकर आप पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का एक डिप्टी सीएम लूट का सरगना है। इसके जवाब में झल्लाते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा आई होगी, जिसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई जवाब देना उचित नहीं समझता। इस पर यूपी कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से यह वीडियो शेयर कर लिखा गया, आई होगी नहीं आई है। अब सवाल ये है कि नए पुल में दरार कैसे आई, क्या ठेकेदारों को भाजपा सरकार ने लूट मचाने की छूट दे रखी है, भविष्य में कोई अनहोनी होती है तो जिम्मेदार कौन होगा। पत्रकारों के सवाल को तो टाल दिया केशव प्रसाद मौर्य जी, उम्मीद है इन सवालों का जवाब देंगे। दुर्गा भाभी सेतु के निर्माण को अभी 10 महीने भी नहीं बीते थे कि पुल के कंक्रीट में दरार दिखाई देने लगी। पहले तो स्थानीय स्तर पर सेतु निगम के अफसरों और कर्मचारियों ने सीमेंट का लेप कर इसे छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब दरार में 4 इंच से ज्यादा का गैप हो गया तो सेतु निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की पोल सबके सामने आ गई। सेतु में आई दरार का मामला सुर्खियों में आया। सवाल जवाब के बीच सिरातू की मौजूदा सपा विधायक पल्लवी पटेल ने ट्वीट पर सीधा आरोप प्रदेश सरकार के एक उप मुख्यमंत्री पर लगाया। आपको बता दें, पल्लवी पटेल ने टूटी सड़कों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट किया, मैं शुरू से कह रही हूँ उत्तर प्रदेश में निर्माण और ठेका पट्टा में एक संगठित गिरोह सुनियोजित लूट कर रहा है, और मेरा सीधा आरोप सरकार के एक उप मुख्यमंत्री पर है। वास्तव में वो ठेकेदार मंत्री हैं और इस समूह के सरगना हैं। उन्होंने अपने अन्य ट्वीट में लिखा कि मैं कौशाम्बी जिले में ट्रोमा सेंटर, ओवरब्रिज, अतिथि गृह और अन्य सभी प्रकार के निर्माण कार्य की तरफ भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। मैं इन सब कार्यों में सरकार और अधिकारियों की मिलीभगत की जाँच की मांग करती हूँ, जो स्वयं मुख्यमंत्री जी की निगरानी में होनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें, कौशाम्बी के करेती में गंगा नदी घाट पर नव निर्माणित पुल वीरांगना दुर्गा भाभी सेतु में दरार आने के मामले में पुलिस की एंट्री हो गई है। वहीं सेतु निगम के अधिकारियों ने फरवरी में तैयार हुए पुल में दरार की बड़ी वजह शरारती लोगों को बताकर खोरराज पुलिस को तहरीर देकर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस तहरीर के आधार पर मामले की जांच पड़ताल करने की बात कह रही है। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुए पुल को फरवरी में शुरू किया गया था। सेतु का लोकार्पण खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किया था, जिसमें दरार आ गई है। वहीं गुजरात में मोरबी हादसा भी रिनोवेशन ना होने की वजह से हुआ था, क्योंकि उसमें जो तार लगे हुए थे, जो सरिया लगा हुआ था, उसको बदला नहीं गया था, सिर्फ और सिर्फ रिनोवेशन के नाम पर पैसा उठा लिया गया था। और उसके बाद जो हादसा हुआ उसमें कई मासूमों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन अभी तक इसमें आखिर दोषी कौन है, कौन मेन आरोपी है, किसकी इसमें लापरवाही थी, इसका पता नहीं चल पाया है। हालांकि राज्य सरकार को गुजरात हाईकोर्ट से फटकार भी लगाई गई थी, लेकिन अभी भी ये पूरा मामला चल रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि उन मासूम लोगों की क्या गलती थी जो लोग पुल पर गए हुए थे।
ऐसे सवालों से नजर फेरने से कुछ नहीं होगा। कुछ दिनों के बाद इससे भी बड़ी घटना हो सकती है। जिस तरीके का काम चल रहा है उसे देखकर तो ऐसा ही लगता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें दी कंटाक के साथ और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।